नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ केपीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ वैशाली वर्मा। आगे नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन कर एक कंट्रोल रूम के जरिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिससे ऐसे बच्चों की तत्काल सहायता की जा सके जिनके माता पिता की मौत कोविड की वजह से हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बड़ा फैसला लिया है कि यूपी में कोरोना संक्रमण की वजह से जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है उनके भरण पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार निभाएगी। ये गोंडा जिले के डीपीओ जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह हैं, जिन्होंने बताया है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा, जिसके लिए गाँव में बने कुल 1214 निगरानी समितियों से संपर्क किया जाएगा कि ऐसे बच्चों के बारे में तत्काल सूचना दें। साथ में जिले का फेसबुक और ट्विटर अकाउंट बनाया गया है ताकि सोशल मीडिया के द्वारा ऐसे बच्चों के बारे में सूचना मिल सके। इसके लिए 3 हेल्पलाइन नंबर, एक मेरा 7518024029 एवं दूसरा 9453491691 9451837322 नंबर पर जारी किए गए हैं। शासन के दिशा निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चे या किसी भी कारण से अनाथ हुए बच्चों का डेटा इकट्ठा करेगी और उसकी मॉनिटरिंग करेगी। इस डेटा इकट्ठा करने का 3 माध्यम भी बनाया गया है, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, ICDS के माध्यम से और पुलिस विभाग के भी माध्यम से। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने निगरानी समिति जो पूरे जनपद में कार्यरत है ग्राम सभा स्तर पे, उनका भी नंबर लिया है। 1214 कुल ग्राम निगरानी समिति है हमारे यहाँ। सभी ग्राम निगरानी समिति से भी संपर्क किया जा रहा है कि यदि उनकी ग्राम सभा में या उनके शहर के हैं जो उनके मोहल्ले निर्धारित हैं उनमें कोई ऐसा बच्चा पाया जाता है जिसकी सूचना वो तत्काल दें। साथ ही मीडिया के भी माध्यम से भी हम लोगों ने इसको प्रसारित किया है कि और साथ में सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट भी जनपद का बनाया गया है कि यदि ऐसी कोई सूचनाएं आती हैं तो तत्काल हमारे यहाँ उपलब्ध कराई जाए जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में। इसके लिए हम लोगों ने 3 नंबर भी जारी किए हैं, जिला प्रोबेशन अधिकारी का भी नंबर है उसमें और हमारे बाल कल्याण समिति के चेयरपर्सन है उनका नंबर है और संरक्षण अधिकारी हमारे गैर संस्थानिक देखभाल के हैं उनका भी नंबर जारी। ये नंबर हमारे 24 आवर्स काम करेंगे। किसी भी प्रकार की सूचना इस संबंध में आती है तो वो इस नंबर पर तीनों दे सकते हैं। कंट्रोल रूम जो नंबर है वो सभी मोबाइल नंबर हैं, सूचना आएगी वो संबंधित अधिकारियों के पास आएगी, तुरंत उसका रजिस्टर पे दर्ज किया जाएगा। तो सर ऐसे बच्चों को फिर क्या कहाँ रखा जाएगा, क्या उनके लिए? ऐसे बच्चों का शासन ने निर्देश दिया गया है, शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इसमें ऐसे बच्चों को संस्था में हम सबसे बाद में ही रखेंगे। यदि उनको तत्काल किसी चीज की आवश्यकता है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी, संस्था हमारा अंतिम विकल्प होगा। जब वो बच्चा कहीं नहीं जा सकता तो वो संस्था में रहेगा। यदि किनशिप केयर में हम दे सकते हैं उसको, फॉस्टर केयर में भी दे सकते हैं और बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना जो है उसके तहत लाभान्वित भी किया जाएगा उनको। संस्था हमारा अंतिम विकल्प है, जब बच्चा कहीं जाने लायक नहीं है तो वो उसको संस्था भेजा जाएगा।